हमने चेक इन कर लिया है नॉटिका में और अब हम लोग जा रहे हैं अपने क्रूज की तरफ। लगेज बहुत एंजॉय किया हमने, अभी लगेज लेना है ना, लगेज लेके फिर चलते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिस्टर जमीन ज्योति। तो गाइस अभी हम लोग जेट्टी पे हैं एंड यहाँ से जा रहे हैं हम लोग चेक इन करेंगे। हमने अपना टिकट वगैरह ले लिया है, बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लिया है, अभी यहाँ पे हमारा लगेज फाइनली चेक होगा। से करीब 1.5 घंटे में 1.5 आवर में फोर्ट ब्लेयर पहुंच जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 10:30, तो हम लोग 10:45 पे यहां से चलेंगे एंड अराउंड 1200 आवर्स के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे फोर्ट ब्लेयर। और यहां से बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दिख रहा है जेट्टी का, और इसके साथ में जो ये सी है बहुत ही प्यारा लग रहा है। सामने पूरा भरतपुर बीच है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सारे सीप वगैरह लगे हुए हैं छोटे छोटे, जिससे कि सी एक्टिविटी कर है, स्कूबा हो गया एंड बहुत सारी एक्टिविटी है सी की, जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है नहीं सीप के थ्रू होता है। मिस्टर यहाँ पे कैमरा निकालने में लगे पड़े हैं, तब तक मैंने सोचा मैं कुछ शूट ही कर लेती हूँ। काफ़ी रश है यहाँ पे आज, और स्टार्टिंग से ही हम लोग जैसे ही यहाँ पे एंटर किए हैं तब से हम लोग क्यू में ही खड़े हैं। हर जगह क्यू लगा हुआ है, तो भी हम लोग इन्हीं क्यू के थ्रू आगे जा रहे हैं। शिप में अपना जो लगेज है वो लोड करेंगे, और ये नॉटिका है, नॉटिका क्रूज़ जिससे हम लोग अभी यहाँ से पोर्ट ब्लेयर जा रहे हैं। इसी शिप से जाना है, ये है नॉटिका, और अभी सब लोग जाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो मिस्टर भी यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। और यही हमारी शिप है जिससे हमें जाना नॉटिका से, एंड बाय बाय नील आइलैंड। मिस्टर ये क्रूज का लगेज ड्रॉप पॉइंट है, और अभी अपना लगेज लेके यहाँ पहुँचे हुए हैं ड्रॉप करने के लिए। ये लगेज लेके आगे खड़ी भैया ने रिसीव कर लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं इसमें एंटर करने। ये इसका एंट्री पॉइंट है जहाँ से हम लोग इस क्रूज में एंटर करेंगे, देन हम अपना जो सीट है वो सर्च करेंगे और वहाँ जाके बैठेंगे दोनों लोग। तो ये अभी चेक कर रही हैं कौन सा सीट है, और अभी हम लोग अपने सीट पे कंफर्टेबल तरीके से बैठ गए हैं। ये शिप का स्टाफ है जो कि अब शिप को आगे जाना है यहाँ से पोर्ट ब्लेयर, तो उसके लिए रेडी कर रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये है अंदर का व्यू, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा है। और ये बैठी हुई हैं अपनी सीट पर, और मैं भी अभी अपनी सीट पर बैठूँगा, पहले मैं इस पूरे अच्छे से व्यू को कैप्चर करूँगा, देन यहाँ से अपनी पूरी जर्नी को हम लोग इंजॉय करेंगे अप टू पोर्ट ब्लेयर तक। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही रोमांचक जर्नी होने वाली है हमारी। इस क्रूज का इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही गजब का लग रहा है, और हम बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं इस क्रूज़ को एंड इस जर्नी को, और बहुत मिस करेंगे इस नील आइलैंड को। बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पे लास्ट 2 डेज में।
that Andaman is home to indigenous tribes that still follow the old way of living in the jungles, connected with mother. समुंदर की लहरों पे सवार हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही गजब का नज़ारा है ये, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑसम, ये भी लाइफ का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ क्रूज के अंदर भी इन्होंने म्यूजिक वगैरह प्ले कर रखा है, तो काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं इस जर्नी को। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे काफ़ी डांस वगैरह कर रहे हैं, लोग अच्छे अच्छे गाने बज रहे हैं, लोग इस पूरी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, सामने आप लोग देख सकते हैं माउंटेन रेंज है एंड यहाँ पे समंदर है और हम हैं नॉटिका में एक खूबसूरत सी जर्नी करते हुए और इस पल को यादगार बनाते हुए पोर्ट ब्लेयर की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। हमारी मंजिल आ चुकी है पास में, सामने आप लोग देख सकते हैं जो सामने माउंटेन रेंज है वो पोर्ट ब्लेयर है और हम लोग किसी भी पल पोर्ट ब्लेयर पहुंच सकते हैं। थोड़ा ही टाइम लगेगा यहाँ से पोर्ट ब्लेयर पहुँचने में, बहुत ही अच्छा नेचुरल व्यू लग रहा है। अराउंड 1 घंटे 30 मिनट की जर्नी करने के बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर से अराउंड 200 किलोमीटर पे एक आइलैंड है जहाँ पे
एक्टिव वॉल्केनो है, जो कि एशिया का एकमात्र ऐसा वॉल्केनो है जो कि एक्टिव है। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं पोर्ट ब्लेयर और काफी अच्छा लग रहा है। हम लोग फाइनली पोर्ट ब्लेयर आ चुके हैं और अब यहां से जाएंगे हम अपने रूम के लिए जहां पर हमने स्टे कर रखा है। हमारी जर्नी हो चुकी है ओवर, अभी हम पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे। सो मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगा और मिलूँगा आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।